हापुड़। हापुड़ जनपद के एक भाजपा नेता ने कोविड-19 महामारी को लेकर पूरे भारत में हुए लॉकडाउन के कारण अपने बेटे के नामकरण संस्कार कार्यक्रम को रद्द कर दिया। अचानक से हुए लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों के घरों में राशन भी नहीं था, जिस कारण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से प्रेरित होकर हापुड़ जनपद के कस्बा सिंभावली में रहने वाले पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा नेता एवं समाज सेवी जितेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे पृथ्वीराज कुशवाहा के नामकरण संस्कार कार्यक्रम को रद्द कर गरीब परिवारों को मोदी किट के माध्यम से सूखा राशन देकर सहायता की। भाजपा नेता जितेंद्र प्रताप कुशवाहा ने पूरे लॉकडाउन के दौरान करीब 1300 गरीब परिवारों को कच्चा राशन वितरित किया। कच्चा राशन पाकर ही इन 1300 गरीब परिवारों के घरों में चूल्हे जले। अगर भाजपा नेता जितेंद्र प्रताप कुशवाहा इन 1300 गरीब परिवारों को कच्चा राशन देकर इनकी मदद ना करते तो शायद इन गरीब परिवार के बच्चे भूखे सोते। वाकई भाजपा नेता ने इन गरीब परिवारों की मदद कर बहुत पुण्य का काम किया है। वहीं समाज सेवी एवं भाजपा नेता जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा यहीं नहीं रुके और अपनी समाज सेवा बरकरार रखी। जो प्रवासी श्रमिक मजदूर पैदल चल साइकिल से अपने घरों को जा रहे थे, उन गरीब मजदूरों को करीब 3000 पैकेट भोजन और बिस्किट का वितरण किया। जितेंद्र प्रताप कुशवाहा जैसे समाज सेवी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो अपनी खुशी के कार्यक्रम को रद्द कर अपनी खुशी को गरीब मजदूर परिवार के साथ बांटते हैं। कच्चा राशन बांटने एवं प्रवासी मजदूरों को पैकेट बांटते समय भाजपा नेता जितेंद्र प्रताप कुशवाहा ने सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन किया। हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाने में एक गांव से आ रही चोरी की खबर। लॉकडाउन में चोर बेलगाम। बाबूगढ़ थाने के कुचेसर चोपला चौकी क्षेत्र के मोहम्मदपुर आजमपुर गांव में स्थित अस्थाई गौशाला से देर रात चोरों ने ताला तोड़कर 7 पशु चोरी कर लिए। पशु चोरी की सूचना ग्राम प्रधान आदेश त्यागी ने कुचेसर चोपला चौकी पर दी। मोहम्मदपुर आजमपुर के ग्राम प्रधान आदेश त्यागी ने बाबूगढ़ थाने में पशु चोरी की दी तहरीर और जल्द से जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग की।